मेरा नाम अफरोज अंसारी, पिता का नाम हलीम अंसारी। मैं ग्राम सभा पोस्ट फाइनर जिला कुशीनगर थाना तुरपट्टी। मुझे साकिर अंसारी, पिता का नाम खलील अंसारी, पता देवरिया भी थाना पठहरवा जिला कुशीनगर, जो एजेंट का काम करता है, मुझे सऊदी अरब रियाद में भेजा, बोला गाड़ी चलाना है। मुझसे 1,20,000 रुपए लिया। 5 जनवरी 2023 को मेरा फ्लाइट कराया रियाद में, लेकिन मैंने जब यहाँ आया कपिल के पास, तो कपिल ने मुझे गाड़ी न देके मुझे घर का काम कराना चालू कर दिया। घर का काम चालू कर दिया कराना, और मुझसे घर का काम करवाता है और मुझे खाना भी नहीं देता है समय से। घर वापस आने के लिए मुझसे एजेंट ने 1,00,000 रुपया मांगा, बोला 1,00,000 रुपया दे दो, मैं वापस बुलवा लूंगा। 1,00,000 रुपया मैंने जब उसको दे दिया, उसके बाद मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और न कॉल करता है न फोन उठाता है मेरा। और मैंने 5 महीने से ऊपर हो गया मैंने यहाँ पे आया हुआ, और मुझको 1 रुपया आज तक सैलरी नहीं दिया है, न खाने का पैसा देता है, न कुछ, मेरे को तंग करता है। कृपया मेरी मदद करें। मेरा नाम अफरोज अंसारी, पिता का नाम हलीम अंसारी। मैं ग्राम सभा पोस्ट फाइनर जिला कुशीनगर थाना तुरपट्टी। मुझे साकिर अंसारी, पिता का नाम खलील अंसारी, पता देवरिया भी थाना पठहरवा जिला कुशीनगर, जो एजेंट का काम करता है, मुझे सऊदी अरब रियाद में भेजा, बोला गाड़ी चलाना है। मुझसे 1,20,000 रुपए लिया। 5 जनवरी 2023 को मेरा फ्लाइट कराया रियाद में, लेकिन मैंने जब यहाँ आया कपिल के पास, तो कपिल ने मुझे गाड़ी न देके मुझे घर का काम कराना चालू कर दिया। घर का काम चालू कर दिया कराना, और मुझसे घर का काम करवाता है और मुझे खाना भी नहीं देता है समय से। घर वापस आने के लिए मुझसे एजेंट ने 1,00,000 रुपया मांगा, बोला 1,00,000 रुपया दे दो, मैं वापस बुलवा लूंगा। 1,00,000 रुपया मैंने जब उसको दे दिया, उसके बाद मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और न कॉल करता है न फोन उठाता है मेरा। और मैंने 5 महीने से ऊपर हो गया मैंने यहाँ पे आया हुआ, और मुझको 1 रुपया आज तक सैलरी नहीं दिया है, न खाने का पैसा देता है, न कुछ, मेरे को तंग करता है। कृपया मेरी मदद करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।